हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर, जिसके लिए हमें चाहिए साबूदाना एक कप, जिसको मैंने भिगो के और रात भर भिगो के रखा था पानी में, नहीं हल्के से पानी में। तो देखिए इसका भी टेक्सचर ऐसे हो चुका है। उसके अलावा हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के। मेरा 700 ग्राम दूध है और ये है थोड़ी सी केसर, और साथ में चाहिए हमें मखाने। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से मखाने लेंगे, इसको ऐसे चलाते रहेंगे धीमे धीमे, और इसमें हम डाल देंगे ये साबूदाने। और साबूदाने डाल के आपको इसको चलाते रहना है कंटिन्यूस, नहीं तो ये बीच में नीचे से लग जाएंगे। थोड़ा सा दूध जो है आप गरम दूध निकाल के रख लीजिए, इतना सा दूध में एक चम्मच निकाल के रख रही हूँ। इसे धीरे धीरे पकाते रहेंगे कंटिन्यूस। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी केसर इस दूध में, ताकि जो कलर है थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए इसका। ज्यादा ही डालेंगे, बस 4-5 दाने ही डालेंगे। तो ये मैंने इसमें देखिए भिगो के रख दिया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी। फ्रूट्स भी काट लूंगी। और साथ में ये मखाने जो मैं अब डाल देती हूँ, ताकि इसके साथ ये भी पक जाए। जो भी हो आप वो डाल सकते हैं, मेरे पास ज़्यादा नहीं थे तो मेरे पास जो है मैं वही डाल रही हूँ। और इधर देखिए ये पक रहा है, आपको चलाते रहना है नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अभी मैंने इसमें चीनी ही डाली है, चीनी मैं लास्ट में डालूंगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप चीनी डाल देते स्टार्टिंग से तो वो कैरामलाइज हो जाती है। मेरे पास ये थोड़ी सी चिरौंजी भी है, तो ये थोड़ी सी मैं ये भी डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चिरौंजी पसंद नहीं होती है। तो देखिए ये ऑलमोस्ट पक गया है मेरा। पकने का मतलब होता है कि ये आपका जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। और अब हम डालेंगे इसमें चीनी। मैंने इसमें थोड़ा सा खोया डाला हुआ है जो मैंने घर पे बनाया था, और इसको अच्छे से मैं क्या करूंगी, लास्ट में ये जो मैंने केसर भिगो के रखा था वो भी इसमें डाल दूंगी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा, और ये मेरी खीर साबूदाने की रेडी है। खीर बनके रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करते हैं।
तो ये मेरी खीर बनके रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको साबूदाने की खीर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल बटन को भी हिट कर देगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं आप लोगों को पता चल जाए। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।